नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्मार्ट स्टोरी 101 पर और मैं हूँ दिव्या वर्मा। दोस्तों, आज की क्लास में मानसरोदक खंड के तृतीय छंद की व्याख्या आपको समझाई जाएगी। इससे पहले आपको प्रथम और द्वितीय खंड की व्याख्या बता दी गई है। अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखे हैं, जाकर देख लीजिए, सारे वीडियोस आपको चैनल पर मिल जाएंगी। अगर किसी भी प्रकार की आपको कोई समस्या आती है तो आप हमसे टेलीग्राम चैनल पर कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए फिर पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं संदर्भ की। तो संदर्भ आपका वही रहेगा जो फर्स्ट वीडियो में आपको बताया गया है। बाकी प्रसंग को समझ लेते हैं। तो प्रसंग है यहाँ पर, प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि ने सखियों के आपसी वार्तालाप का चित्रण प्रस्तुत किया है। इसी के साथ ही हमें जायसी की रहस्यवादी भावना भी दृष्टिगत होती है, जिसमें नैहर के माध्यम से इस लोक का और ससुराल के माध्यम से परलोक का चित्रण प्रस्तुत किया गया है। यानी जहां जहां आपको नैहर शब्द दिखाई देगा, वहां पर नैहर का अर्थ है इस लोक से जहां हम रहते हैं, जिस लोक में हम निवास करते हैं, अर्थात पृथ्वी लोक। और ससुराल का संबंध है परलोक से। मृत्यु के बाद मनुष्य कहां जाता है? परलोक को जाता है, भगवान के पास जाता है, परमात्मा के पास जाता है। तो नैहर का संबंध है इस लोक से और ससुराल का संबंध है परलोक से। तो यहाँ पर जायसी की रहस्यवादी भावना हमको दिखाई देती है। अब समझिए पहली पंक्ति का अर्थ। पहली पंक्ति है यहाँ पर, मिल ही रहस्य सब चढ़ ही डोरी, झूल ले ही सुख बारी भोरी। कहने का तात्पर्य है, सभी सखियां आपस में वार्तालाप करते हुए एक दूसरे से कहती हैं, क्या कहती हैं कि आओ सभी मिलकर हिंडोले पर झूल लेते हैं। हिंडोला यानी कि झूला। सभी सखियों आओ मिलकर हिंडोले पर झूल लेते हैं। हे भोली सखियों, अभी सुख का समय है, जितना आनंद मनाना है मना लें, फिर क्या पता हमें ऐसा सुख नसीब होगा भी या नहीं। अर्थात जब हम अपनी अपनी ससुराल चली जाएंगी तो वहां क्या पता हमें इस प्रकार का सुख मिलता भी है या नहीं। तो ये हो गया एक साधारण अर्थ। अब इसे अगर हम रहस्यवादी अर्थ में समझते हैं तो कवि का कहने का तात्पर्य ये है कि जब हम परलोक चले जाएंगे तो वहां पर हमें इस प्रकार का आनंद मनाने को नहीं मिलेगा। जब तक हम इस लोक में हैं, तब तक हम जितना चाहें उतना आनंद मना सकते हैं। फिर अगली पंक्ति है, झूल ले हूं नैहर जब ताई, फिर नहीं झूलन देई साई। जब तक नैहर अर्थात हम मायके में हैं, तब तक सुख का झूला झूल लेते हैं। विवाहोपरांत जो हमारा साई होगा, अर्थात जो हमारा पति होगा, वह हमें झूला झूलने नहीं देगा। यहाँ साई का अर्थ पति से भी है, ससुराल से भी है और परमात्मा से भी हो सकता है। यानी जब हम परमात्मा के पास जाएंगे तो वहाँ हम इस प्रकार का आनंद नहीं मना पाएंगे, वहाँ पर हम आनंद नहीं उठा पाएंगे। फिर अगली पंक्ति है, पुनि सासुर ले राखी ही तहां, नैहर चाह न पाऊब जहां। ससुराल जाने के बाद जो हमारा ससुर होगा, वह हमें ऐसी जगह रखेगा जहां मायके जैसी स्वच्छंदता नहीं नसीब होगी। स्वच्छंदता का मतलब होता है नियम कानूनों से, जो भी मतलब नियम कानून बने हुए हैं उनसे ऊपर उठकर कोई काम करना। यानी हमारे ऊपर कोई भी नियम कानून नहीं है जब तक हम मायके में हैं। जितना चाहे आनंद मना सकते हैं, जितना चाहे खेल कूद सकते हैं, लेकिन जैसे ही हम ससुराल में जाएंगे वहां पर हमारे ऊपर नियम कानून लागू हो जाएंगे और हम अपने मन से वहां पर कुछ भी नहीं कर सकते हैं। हम चाह कर भी मायके जैसी खुशहाली, मायके जैसा आनंद वहां पर
नहीं उठा सकेंगी। फिर अगली पंक्ति है, कित यह धूप कहाँ यह छाहा, रहब सखी बिनु मंदिर माहा। जब हम ससुराल चली जाएंगी तो वहाँ हमें घर के अंदर रहना पड़ेगा और हम सबको धूप और छाया नसीब तक नहीं होगी, धूप और छाया देखने तक को नहीं मिलेगी। अगर हम इसे रहस्यवादी अर्थ में लेते हैं तो यहाँ पर धूप और छाया से तात्पर्य है सुख और दुख से, अर्थात जब हम परमात्मा के पास चले जाएंगे तो वहाँ ना तो हमें दुख महसूस होगा और ना ही हमें सुख। फिर अगली पंक्ति है, गुण पूछी औलाई दोखो, कौन उतर पाओब तहां मोखो। ससुराल जाने पर हमसे हमारे गुणों के बारे में पूछा जाएगा। विवाह के बाद अक्सर ऐसा होता है, हमसे हमारे गुण पूछे जाएंगे कि हमें क्या आता है और क्या नहीं आता है। और फिर गुणों की कदर हो ना हो, लेकिन हमारे ऊपर अवगुण जरूर लगा दिए जाएंगे, उसके बाद भी हमारे ऊपर दोष ही लगाए जाएंगे। जब ऐसा समय आएगा तो हम क्या उत्तर देकर उनसे छुटकारा पाएंगे। कहने का अर्थ यह है कि जब हम परमात्मा के घर जाएंगे तो वहाँ हमारे गुण ही नहीं पूछे जाएंगे, वहाँ हमसे केवल हमारे गुण ही नहीं पूछे जाएंगे बल्कि हमारे दोषों का भी हिसाब किया जाएगा। फिर अगली पंक्ति है, सासु ननद के भौह सिकोरे, राहब संकोच दुओ कर जोरे। सास और ननद हमेशा हमारे अंदर गुणों को ना देखकर केवल दोष ही ढूंढेंगी, केवल अवगुण ही खोजेंगी और क्या करेंगी, भौहें सिकोड़ेंगी अर्थात चुगली करेंगी और बुराई करेंगी। ससुराल में हम स्वच्छंद होकर नहीं रह पाएंगी, स्वच्छंद मतलब बिना किसी नियम बंधन के हम नहीं रह पाएंगी और दोनों हाथों को जोड़कर ही रहना पड़ेगा। अगर हम इसे रहस्यवादी अर्थ में लेते हैं तो कहने का तात्पर्य ये है कि जब हम परलोक में जाएंगे तो वहाँ क्या होता है, हमारे अवगुणों का भी लेखा जोखा होगा और हमें दोनों हाथ जोड़कर ही खड़े रहना पड़ेगा। फिर अगली पंक्ति है, कित यह रहस्य जो आओब करना, ससुरो अंत जन्म दुख भरना। अब यहाँ पर रहना या यहाँ पर पहुँचना अब नहीं हो सकेगा, अर्थात एक बार ससुराल में जाने के बाद, एक बार परमात्मा के पास जाने के बाद दोबारा इस संसार में या मायके में आने का मौका नहीं मिलेगा। ससुराल में जाने के बाद हमको जीवन भर दुख ही उठाने पड़ेंगे। तो हे सखियों, क्यों ना हम आज जितना चाहें उतना आनंद मना लें, और आगे चलकर हमारे साथ क्या होगा हमें कुछ भी ज्ञात नहीं है। फिर अंतिम पंक्तियां हैं जो कि एक दोहा है, कित नैहर पुनि आउब, कित ससुरे यह खेल, आप कहाँ होई परब पंख जस डेल। जब हमारा विवाह हो जाएगा तब हम कहाँ अपने मायके में दोबारा आ पाएंगे और कहाँ हम सब मिलकर यह खेल खेल पाएंगे। विवाहोपरांत क्या होता है, सखियों का मिलना जरा मुश्किल हो जाता है, हम सभी सखियाँ एक दूसरे से अलग हो जाएंगी, बिछड़ जाएंगी और ना जाने कहाँ तुम होंगी और कहाँ हम होंगे, और ससुराल में इस तरह से कैद हो जाएंगी जैसे पिंजरे में पक्षी। भावार्थ यह है कि जब व्यक्ति इस संसार को त्याग कर परमात्मा के पास चला जाता है तो उसे दोबारा इस लोक पर या फिर इस पृथ्वी लोक पर आने का मौका नहीं मिलता है। अतः जब तक हम यहाँ हैं तब तक अपने जीवन का आनंद उठा लेना चाहिए, इस जीवन को प्रसन्नता पूर्वक जी लेना चाहिए। तो यहाँ पर व्याख्या समाप्त होती है। अब हम बढ़ते हैं काव्यगत सौंदर्य की ओर। तो भाषा यहाँ पर वही रहेगी, ठेठ अवधि, रस यहाँ पर श्रृंगार रस है, छंद, दोहा और चौपाई हैं। अगर अलंकारों की बात की जाए
तो यहाँ पर अन्योक्ति अलंकार है। अब अन्योक्ति अलंकार कहाँ पर होता है तो ये भी बात आप समझ लीजिए, ताकि आपको बार बार रटना ना पड़े। देखिए, यहाँ पर सखियों के आपसी वार्तालाप की बात की जा रही है, लेकिन अगर हम इस अर्थ को गहराई से समझते हैं तो कवि ने यहाँ पर एक रहस्यवादी अर्थ छिपा रखा है। कवि ने यहाँ पर आत्मा परमात्मा, इस लोक और परलोक की बात कही है। तो जहाँ कहीं पर ऐसा होता है कि एक ही पंक्ति के या फिर एक ही दोहे के दो अर्थ निकलते हैं, एक साधारण अर्थ हो गया जो आप दोहे को पढ़कर भी निकाल सकते हैं, और दूसरा जो रहस्यात्मक अर्थ है, ठीक है। तो जहाँ कहीं पर ऐसा होता है वहाँ पर आपका रहेगा अन्योक्ति अलंकार। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई, क्योंकि कवि ने यहाँ पर एक ओर तो सखियों के वार्तालाप की बात कही है, लेकिन दूसरी तरफ इस लोक और परलोक की बात कही है, आत्मा और परमात्मा की बात कही है, तो इसीलिए यहाँ पर अन्योक्ति अलंकार रहेगा। तो आज के लिए बस यहीं तक। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। सो प्लीज़ दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। इसी प्रकार की अन्य वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।